आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर किसी के पास बैकेट में डालकर गर्म करने वाला हीटर है और कभी कभी ऐसा होता है कि कम गर्म पानी करना रहता है और हीटर लंबा होने को जैसे आधे बैकेट पानी डाला और हीटर ऊपर ही रह जाते हैं और ऊपर का बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है हीटर, तो उससे कैसे बचा जाए, उनका क्या तरकीब है, इस बारे में आज वीडियो है। तो चलो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये अपने पास एक हीटर है, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास वो हीटर तो बैकेट हीटर नहीं था, तो मैं तो दूसरे चीज़ को हीटर बना लिया हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए ये एक है, तो इसमें होता है क्या है, जैसे ये हीटर तकरीबन 6 इंची लंबा है और हमको पानी गर्म करना है 3 ही इंची। ये एग्जांपल के तौर पर है कि हम उस कैसे बचा जाए, कि आधे हीटर को ही अगर गर्म करना है ऊपर का हिस्सा, बहुत ज़्यादा जब हीट हो जाता है तो उससे कैसे बचा जाए कि ऊपर का हिस्सा भी गर्म ना हो और हम जितना पानी चाहे कम करें गर्म या ज़्यादा करें, लेकिन ऊपर का हिस्सा गर्म ना हो बल्कि पूरा हीटर ही बराबर गर्म हो। मिसाल के तौर पर मैं अभी दिखाता हूँ चालू करके, यानी ये पानी यहाँ तक है अभी और ये हिस्सा पानी बाहर होने की वजह से ये लाल हो जाता है गर्म, गर्म होने की वजह से ख़राब होने की भी खतरा रहता है। ये गीला नहीं रहता है पानी, क्योंकि जाता नहीं है पानी में, हमको पानी कम गर्म रहना। तो इससे कैसे बचा जाए कि ये लाल ना हो, तो आज इसके ऊपर वीडियो है। तो मैं पहले इसको गर्म करके दिखाता हूँ और इसमें क्या प्रॉब्लम वो बताता हूँ, फिर मैं उसको वो प्रॉब्लम हल करके भी बताऊँगा कैसे क्या किया जाए जिसकी वजह से वो लाल ना हो। तो मैं चलो यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया हूँ और देखना कैसे लाल होता है। चलो मैं वीडियो के बीच में स्केप कर देता हूँ, लाल होता है जब जब मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गर्म होने लगा, ये देखिए बाहर का ऐसा जो पानी नहीं डूबा हुआ है वो गर्म होने लगा। तो इससे कैसे बचा जाए कि पानी में हम चाहे थोड़ा डालें या कम डालें, लेकिन ऊपर का गर्म नहीं होनी चाहिए, इसको कैसे बचा जाए, तो मैं आज इसके सोल्यूशन लेकर आया हूँ। जो पानी चाहे आप थोड़े पानी में डालो, हीटर का थोड़ा हिस्सा पानी में रहेगा, फिर भी ये ऊपर का हिस्सा गर्म नहीं होगा। मैं इस बारे में आज वीडियो लेकर आया हूँ, ये जो गर्म हो रहा है इस गर्म को बचने के लिए। अब ये क्या होता है, नीचे गर्म है और नीचे कम गर्म है, ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें कॉयल का डैमेज होने का खतरा रहता है। तो इस खतरे से बचने वाला सोल्यूशन मैं लेके आ जाया हूँ। तो ये देख लीजिए, इसको हम चाहे इससे भी कम पानी कम करेंगे गर्म, और ये ऊपर का जो गर्म है ये हीट ज़्यादा हो जा रहा है, ये हीट नहीं होगा। देख लीजिए ये गर्म को आज मैं बचने के लिए तरकीब लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ तरकीब। मैंने कर दिया बंद, अब हो रहा है ठंडा, अब मैं और तरकीब लगा के दिखाता हूँ। तो मैंने बनाया इस तरह डब्बे, हीटर को इसके अंदर में पैक कर देंगे, इसके अंदर में डाल देंगे। होगा क्या, इसके अंदर में डालने से इसके अंदर में जगह जगह थोड़े थोड़े दूर पर सुराख कर दिया हूँ। सुराख से क्या होगा, इसमें पानी जाएगा, पानी जाने से हीटर गर्म होगा और भाप बनेगा। चाहे आप इतना सा पानी के अंदर में डालो, 2 इंची डालो, 2.5 इंची डालो, 3 इंची डालो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। होगा क्या, इसमें हीटर पूरा मुकम्मल, जितना बड़ा हीटर है थोड़ा आप उससे बढ़ा लीजिए, और होगा क्या, हीटर पानी में टच होगा, टच होने की वजह से इसमें भाप बन जाएगा और भाप साइड कम भगता है, ऊपर ज़्यादा भगता है। ऊपर भगने से डब्बे जो है ज़्यादा छेद नहीं किया, कई जगह जगह छेद किया हो, इससे क्या होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा और भाप ज़्यादा मिकदार में बनेगा, क्योंकि इसमें पानी कम ही रहेगा, जिसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। बाकी गर्म पानी छेद से भी निकलेगा, लेकिन जो भाप होगा वो भाप ऊपर के हिस्से वाला भाप घेर के ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने की वजह से पूरा कॉयल को हमेशा गीला रखेगा, जिसकी वजह से बचा रहेगा, और वही बचा रहने की वजह से ये कॉयल गर्म नहीं होगा और बिल्कुल सेफ रहेगा। कोयल ऊपर और ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा कोयल रहेगा। मैं डाल के भी दिखाता हूँ और दिखाता हूँ वो कितना सेफ रहता है उसमें। ये देखो इस कोयल को मैं इस डब्बे में डाल देता हूँ, तो ये इस तरह लेकर इस तरह डाल दिया। मेरे पास तो डब्बा फिक्स है, आपके पास जो हो उसमें डाल के ऊपर में लेकिन छेद ज़रूर करना, ताकि ऊपर से भाप निकले। ये सब जहाँ तक पानी डूबा रहेगा डूबा ही रहेगा, लेकिन भाप बनकर ऊपर वाला हिस्से से जो निकलेगा भाप, तो ऊपर में पूरा कॉयल में भाप टच होते जाएगा और कॉयल को ठंडा रखेगा, यानी कॉयल को गीला रखेगा, जिसकी वजह से गर्म नहीं होगा। तो मैंने डाल दिया इस तरह, और इसको किसी चीज़ से टेप उप से इसको टेप उप से या किसी गोंद से चिपका दिया जाए, यानी छेद को रहना दिया जाए इसको, ताकि ढक्कन ना निकले। मेरे पास तो फिक्स है, तो अब देखिए होता है क्या और गर्म होता है कि नहीं होता है। छेद है, अब गर्म होगा तो दिखाई देगा। तो मैं करता हूँ यहाँ से बटन ऑन, बटन कर दिया ऑन, आप देख सकते हैं थोड़ा लेट लगेगा गर्म होने में, गर्म होना शुरू हो गया है।
देखो होता है क्या, देखो हो क्या रहा है, ये देखो मतलब ये है कि भाप, देखो आप देख सकते हैं ये बॉयलर बन के भाप, मैंने कोयल को पूरा गीला रख रहे हैं। मैं थोड़ा खड़ा करके भी दिखा देता हूँ इसको, ये देखो मैंने कर दिया बिल्कुल खड़ा, पानी बिल्कुल कम है, एकदम बिल्कुल 1.5 इंची पानी है और कोयल तकरीबन 6 इंची का है। और देखो कोयल थोड़े भी डालो बॉयलर बने से, उसमें कम पानी होने की वजह से, कोयल ज़्यादा टेम्परेचर पर होने की वजह से भाप ऊपर से निकलता है, जिसकी वजह से पूरा गीला कोयल रखते हैं और गीला होने की वजह से वो गर्म नहीं होने देता। मैं देखता हूँ ऑन करके दिखाता हूँ आपको और बिल्कुल उठा के दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा पानी में डाला हूँ मैं 1-1.5 इंची और देखो कैसा, देखो देखो ये भाप छेद से निकल रहा है, देखो ये देख सकते हैं छेद भाप से निकलने की वजह से वो कोयल को गीला रखता है और गीला रखने की वजह से वो उस तरह गर्म नहीं हो सकता जो मैं आप शुरू वीडियो में दिखाया। और इससे कोयल आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, पानी जैसा गर्म होना है होना ही हुआ है, क्योंकि जितना सा पानी डूबा हुआ तो डूबा ही हुआ है, 1 इंच या 1.5 इंच हमारा डूबा हुआ है, लेकिन कोयल देखो मैं पकड़ के बिल्कुल खड़ा रखा हूँ और बिल्कुल भाप देखो उससे निकल रहा है और पूरा कोयल गीला है, जिसके वजह से ये भाप लगने की वजह से आपको दिखाई नहीं पा रहा है, इसलिए दूर से दिखाना पड़ रहा है। मैं नज़दीक करके दिखाता हूँ किसी तरह, ये देखो भाप क्योंकि ऊपर हमने छेद किया, ऊपर से भाप निकल रहा है और कोयल 1 इंच डूबा हुआ है पानी में, लेकिन भाप ऊपर निकलने की वजह से पूरा कोयल गीला है और ये गर्म होगा ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में भाप बन रहा है पानी कम होने की वजह से, गर्म होने की वजह से। देखो देख सकते हैं और पूरा कोयल गीला है। आप कितना देर में पानी करेंगे, कितना भी कम पानी गर्म करेंगे, फिर भी ऊपर चाहे कितना ही लंबा आपका कोयल हो और उतना बड़े डिब्बे आपने पैक किया ऊपर में छेद किए हैं, उससे आपका कोयल बिल्कुल सेफ रहेगा। ये बैकेट वाला कोयल का हाल है, यानी बैकेट में जो डाल के गर्म करते हैं। आप कभी कभी बाई चांस ऐसा रहता है कम गर्म पानी करना रहता है, कोयल लंबा होने की वजह से ऊपर का कोयल जो बाहर रहता है बैकेट का वो गर्म होता है और गर्म होने की वजह से डैमेज होता है। ये डैमेज से बचने के लिए ये तरकीब आप इख्तियार करें, कभी आपका कोयल ख़राब नहीं होगा, सेफ रहेगा। इससे आप देख सकते हैं कहाँ, यानी ये 5-10 मिनट हो गया बिल्कुल पानी खौल रहे हैं और ऊपर का बिल्कुल जो आपके सामने दिखाया था 2 मिनट में ही बिल्कुल कोयल पूरा लाल हो गया था, अभी होगा ही नहीं 2 घंटा 4 घंटा, कब भी कितना भी चलाओ कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल पानी एकदम गर्म है खौल रहे हैं। लेकिन आप कोयल देख सकते हैं एकदम बिल्कुल ऊपर और नीचे एक जैसे इससे कोयल रहेगा। तो किसी डब्बे में आप पैक करो और जगह जगह 2-3 छेद कर दो ऊपर में, लेकिन चारों तरफ ज़्यादा मिकदार में छेद करो, ताकि बीच से तो गए सीख ले थोड़ा बहुत और बीच का भी कोयल वहाँ भी गलने की वजह से बीच को भी ठंडा रखें और ऊपर का ऊपर से ज़्यादा ही गलने की वजह से भाप की जो मिकदार है ऊपर ज़्यादा जाए, जिसकी वजह से पूरा कोयल को उसका पानी भाप का पानी पहुँचते रहे और कोयल को बहुत हीट ना होने दें, बल्कि जैसा पानी में हीट होता है वैसा ही होने दें। ये तरकीब है इससे बचने के लिए।